आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में आज की बात करें तो पेट्रोल 97 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर है। डीजल का दाम 88 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हो गया है। दो दिन के अंदर अंदर 1.5 रुपए से ज्यादा कीमत बढ़ चुकी है। तो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं आमजन के सामने। जाहिर है खासतौर पर मध्यम वर्ग के सामने बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में आने वाली है। चूंकि डीजल के दाम बढ़ेंगे तो आप जानते हैं कि तमाम चीजों पर इसका असर पड़ने वाला है। सीधा महंगाई पर इसका असर होगा। तो तेल की कीमतों में एक बार फिर से उछाल जारी है। हालांकि इस बार तो कच्चे तेल की कीमत भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी अधिक हो गई है और रूस यूक्रेन युद्ध का असर भी इसे देखा जा रहा है। अब एक बार फिर से बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया है और लगभग ही मानकर चलिए कि आने वाले कुछ दिनों तक पेट्रोल डीजल की कीमत कम से कम नहीं होने वाली है। भैया आम आदमी का तो ये सुनते ही नहीं है। आम आदमी की हालत तो ऐसी कर दी है कि उसके घर में राशन चलाना उसका मुश्किल हो गया है। मिडिल क्लास को के लिए तो ये काम ही नहीं कर रही है ये सरकार। लेकिन ये देश की जनता भी इसी लायक है। जब मैंडेट ऐसा देते तो ये सब भुगतने के लिए, जब हिंदू मुस्लिम पे वोट करेंगे तो उन्हें पेट्रोल से, महंगाई से, बेरोजगारी से क्या मतलब रहेगा सरकार। नहीं, नहीं, पहले जो पेट्रोल डलवाती थी और अब पेट्रोल डलवाने, कितना फर्क आप देखते हैं? भैया पहले जो पेट्रोल की टंकी थी वो 2500-3000 रुपए में फुल हो जाती थी, अब 4500-4500 रुपए में फुल होती है। तो आप देखिए ऑलमोस्ट डबल हो गया पेट्रोल का प्राइस। जो ये प्राइस डबल हो गया तो ये जो कस्टमर की कितना इफेक्ट करता है, आप खुद समझदार। ये तो एक हम ड्राइवर आदमी है, ठीक है, पर ये है कि जो ये गवर्नमेंट पैसे बढ़ा रही है अच्छा नहीं करती, ठीक है, ये गलत है। क्योंकि हम ड्राइवरों पे लॉस भी पड़ रहा है इस मसले से, क्योंकि लोग बाग ना तो तनख्वाह दे पा रहा है टाइम से, ना ही गाड़ी चलवा पा रहा है, इसलिए इस मसले में बहुत दिक्कत हो रही है। यही कहना चाहूँगा कि तेल इतना पैसे ना बढ़ाएं तेल पे। यही मेरी मोदी सरकार है, अब जो मर्जी आए कर रहा है। सिर्फ डीजल और पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा, 50 रुपये से उस पर LPG भी बढ़ गया 50 रुपये सिलेंडर पे। कहाँ जाएगा गरीब आदमी, कहाँ जाएगा बिचौली आदमी। अच्छा पहले जो आप पेट्रोल डलवाते थे और अब पेट्रोल डलवाते हैं, कितना फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है सर, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ रहा है सर, बहुत फर्क पड़ रहा है। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से आपने सुना आम लोगों को कि बहुत फर्क इससे पड़ता है, खासतौर पर मध्यम जो वर्ग है उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसका नजर आता है। महंगाई भी आने वाले दिनों में अधिक होने वाली है, क्योंकि आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ी है। और केवल आज नहीं, पिछले दो दिन की आप बात करेंगे, 1.5 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल डीजल में वृद्धि हुई है। कैथल की हम बात करेंगे, कैथल में हमारे संवाददाता वीरेंद्र पुरी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिनों से अंदेशा लगाया जा रहा था कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे और वो बढ़े भी। पिछले दो दिनों से पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे जिसको लेके वो खत्म हो गए, उनका रिजल्ट आ गया और लोगों के द्वारा अंदेशा लगाया जा रहा था कि तेल के दाम बढ़ेंगे और लोगों ने उसी के अकॉर्डिंग जो तेल है वो स्टोर भी किया, क्योंकि किसानों ने आगे सीजन आने वाला है और डीजल के जो दाम है वो बढ़ने के अंदेशे के चलते जो तेल है वो स्टोर किया। अब पिछले दो दिनों से लगभग 80 पैसे के आसपास दो दिनों से पेट्रोल और डीजल दोनों के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे बात करते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम दोबारा से बढ़ रहे हैं। क्या नाम है? अमित। दो दिन से दोबारा से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने शुरू हो गए। हाँ जी, क्या कहना है? क्या कहना है, ये तो बढ़ा और क्या कह सकते हैं इसमें। पीछे सरकार ने कम भी किया था, सरकार तो न्यू है, जो कि बीजेपी आ रही है न्यू बढ़ाने जान लग रही है। जैसा लोगों का कहना है कि तेल के जो दाम है वो बढ़ने हैं, वो तो बढ़ेंगे ही। इनसे पूछते हैं कितने जो दाम है वो बढ़ रहे हैं तेल के? 80 पैसे डेली। कितने दिन से? दो दिन से डेली 80 पैसे डीजल और पेट्रोल। हाँ, डीजल पेट्रोल दोनों। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि तेल के इस टाइम जो दाम है वो आप देख सकते हैं कि 97 रुपये जो है पेट्रोल का दाम है, और लगातार दो दिन से 80 पैसे के आसपास जो तेल के दाम है वो बढ़ रहे हैं। क्या नाम है जी? रतन कुमार। दो दिन से दोबारा फिर से तेल के दाम बढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो वही पहले वाला काम था, जो एक बार दिखाते पब्लिक को कि भाई कुछ रहा था, फिर दोबारा उसी वहीं पे लेके आएंगे जो पहले था, पहले की तरह हालत खराब कर दिया लोगों की। क्योंकि ये भी कहना है कि जो कच्चे तेल के दाम है पिछले 13 साल का रिकॉर्ड टूटा है और कच्चे तेल के जो दाम है वो भी बढ़े हैं, तो जाहिर तौर पर दाम तो बढ़ेंगे।
वैसे अभी तो बोल रहे सर जी अभी कच्चे तेल का आयात बहुत हो रहा है, ये हो रहा है, वो सो रहा है, तो ये भाव बढ़ने का क्या मतलब है? अगर आयात हो रहा है तो बढ़ने का क्या मतलब हो सर? बिल्कुल कुछ और लोग हैं उनसे, क्या नाम है जी? बलजीत है जी। तेल के दाम दो दिन से फिर बढ़ रहे हैं, क्या कहना है? ये तो बढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी हो रहा है। क्या कहना था, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, हमारा कह दूँ कम हो जाएंगे। सीजन आगे सीजन भी है, कितना असर पड़ेगा? सीजन तो पड़ती रहेगा, कोई मानना सरकार का ये भी कहना है कि जो कच्चे तेल के दाम है वो बढ़े हैं, इस वजह से तेल के दाम बढ़ रहे हैं। सरकार तो अपने पक्ष में कुछ तो रखेगी, कच्चे तेल के दाम ऐसे बढ़ रहे हैं तो फिर आगे घटाओ भी कुछ ना कुछ, तो ऐसे सरकार ना ही करना है, वो तो कुछ सब्सिडी दे सकती है, उस प्रति टैक्स कम कर सकती है। तो आगे सीजन है, गेहूं का सीजन है, तो कितना असर पड़ेगा जिम्मेदार पे? इस चीज का बहुत ही असर, बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि लोग जैसे ही चुनाव खत्म हुए थे लोगों को अंदेशा था कि तेल के जो दाम है वो बढ़ेंगे, और तेल स्टोर करना शुरू कर दिया। इसलिए किया था स्टोर तो कि तेल के ज्यादा दाम बढ़ने वाले हैं, पर अब ऐसा कुछ कम वैसे इतना तो नहीं बढ़ा, पर बढ़ रहा है। अब भी क्या लगता है कि तेल के दाम सीजन आने तक बहुत ज्यादा चले जाएंगे? हाँ, हो सकता है भाई, तेल के दाम और भी बढ़ सकता है, इसमें महंगाई है। बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और लोगों को ये अंदेशा भी था कि तेल के दाम बढ़ेंगे, और उसी अकॉर्डिंग तेल के दाम बढ़ रहे हैं। हालांकि जो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, लोगों का कहना है कि सरकार तेल के जो दाम है वो बढ़ा रही है, लेकिन कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं उस वजह से तेल बढ़ रहा है। इसके अलावा जो आगे गेहूं का सीजन आना है उसमें कहीं ना कहीं किसानों को तेल के दाम बढ़ने से परेशानियां जरूर हो सकती हैं। कैथल से वीरेंद्रपुरी खबरें अभी तक।